तो वहीं करनाल में महर्षि कश्यप की जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और सांसद नायब सैनी समेत तमाम नेताओं से जनता टीवी ने खास बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने कई अहम जानकारियां देते हुए बताया कि सरकार ने महापुरुषों की जयंती मनाने की एक सराहनीय पहल की है। देखिए, करनाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, महर्षि कश्यप की जयंती मनाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा भी यहां पहुंचे थे। सर, आज के इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? हरियाणा सरकार ने एक शुरुआत की है कि जो महापुरुष है उनकी जयंतियां जो है वो प्रदेश भर में अलग अलग जगह मनाई जाए, किस तरह से देखते हैं इस आयोजन को? इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, चाहे आज हमारे हम यहाँ कश्यप जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, चाहे रविदास जयंती की बात हो, चाहे अम्बेडकर जयंती की बात हो, और चाहे पानीपत के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन मनाने की बात हो, चाहे गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाने की बात हो, यानी कि हर धर्मों का सम्मान करते हुए सबको यहाँ मनाने का काम किया है। इस बात हुई, आप मानते हैं कि महापुरुषों के जीवन को लोगों के लिए प्रेरणादायक माना जाता है और लोग जो है वो प्रेरणा लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी जो है? निश्चित रूप से हमारे जो महापुरुष है, चाहे संत महात्मा है, उनकी जयंतियाँ इसीलिए मनाई जाती है कि हम उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है उसके उस पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें। वैसे कोई भी जो संत महात्मा है, चाहे गुरु साहिबान है, वो जगत के कल्याण के लिए आते हैं, किसी बिरादरी विशेष के, कोई समाज के नहीं होते। फिर भी हमने अलग अलग जो समाज ने जो अपनाए हुए हैं उनका सबका, समाजों का आदर करते हुए इस तरह की एक नई परंपरा डालने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ कश्यप समाज के जो लोगों की मांग थी वो तो मुख्यमंत्री ने मानी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने मंच पे एक बहुत बड़ी बात कही है कि पिछड़ा वर्ग को हमने आरक्षण दिया था लेकिन कोर्ट में कोई चला गया, इसके चलते वो आरक्षण निकाय चुनाव में स्टैंड नहीं कर पाया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को जो है वो हम उतना प्रतिनिधित्व देंगे जितनी उनकी संख्या, यानी एक तरह से जहाँ जहाँ जो जितनी संख्या उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है, आप इसका समर्थन करते हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग का एक जो नगर पालिका है उसके अंदर आरक्षण था और जिसमें जो बैकवर्ड समाज के लोग ही वहाँ से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि पहले जनसंख्या का पता लगाया जाए, और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे यहाँ पे परिवार पहचान पत्र के जरिए अलग अलग जो खासकर जो बीसी की एससी की जो जनसंख्या है उसका डेटा भी सरकार के पास आ गया है, और बीसी कमीशन का गठन भी जल्दी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, वो गठन करके और अलग अलग कंस्टिट्यूंसी वाइज या जो उनके जो क्षेत्र है नगर पालिका के उसके अनुसार जो है उसकी जनगणना की जाएगी, ताकि किस जगह पे उनका राइट बनता है वो तय करके और उसी हिसाब से उनका जो है लड़वाया जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्टेज से घोषणा भी की, उन्होंने कहा भी है कि वो हम जो नगर पालिकाओं के अब चुनाव जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, वहाँ वहाँ जितना प्रतिशत आरक्षण के तहत उनको बैकवर्ड समाज को दिया जाता था, बिना आरक्षण भी उनको पार्टी की तरफ से टिकट दे करके लड़वाया जाएगा। हमारे साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा थे, जो कह रहे हैं कि जो महापुरुषों की जयंती मनाने की शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत है, और इससे युवा पीढ़ी को और तमाम जो लोग हैं उनको एक संदेश दिया जाता है और जो महापुरुष हैं उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, करनाल।